फ्रेंड, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आईपीओ का प्राइस बैंड और डेट तय हो गए हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% सर्ज हो गई, यानी कि जिस भाव पर आईपीओ आ रहा है उससे 2 गुना भाव अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में बोला जा रहा है। और इसके अलावा एक पॉजिटिव बात यह भी है आईपीओ में कि इस आईपीओ के जरिए जो भी फ्रेश इश्यू लाया जा रहा है कंपनी का, उसमें से ज़्यादातर रकम का इस्तेमाल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए करेगी और वहां से प्रोडक्शन मार्च 22 तक शुरू होने का अंदाज लगाया जा रहा है। तो वहां से जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, इसके फाइनेंशियल को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके फाइनेंशियल ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। और अभी इस आईपीओ में तो धूम धड़ाका वाली सिचुएशन बाज़ार में नज़र आ रही थी। फ्रेंड्स, ओवरऑल लक्ष्मी ऑर्गेनिक मेनली 2 सेगमेंट में काम करते हैं, जिसमें है एसेटाइल इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, जो कि स्पेशलिटी इंटरमीडिएट में लगभग 34 के आसपास प्रोडक्ट है और एसेटाइल में लगभग 13 के आसपास प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल काफ़ी शानदार तरीके से इंडस्ट्रीज़ में होता है। और फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि एसेटाइल इंटरमीडिएट्स में से कंपनी की 60% इनकम जनरेट होती है और इसके अलावा स्पेशलिटी इंटरमीडिएट में से कंपनी की 32% के आसपास की टोटल रेवेन्यू जनरेट होती है। और फ्रेंड, इसके अलावा किस इंडस्ट्रीज़ में से कितनी इनकम आती है वो भी आप यहाँ देख सकते हो। तो फार्मास्यूटिकल्स में से 35% रेवेन्यू जनरेट करती है और इसके अलावा एग्रोकेमिकल्स में 14%, कलर एंड पिगमेंट्स में 15% एंड प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में 8% के आसपास है। और इसके अलावा अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में से 9% और डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 26% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। और फ्रेंड, अगर जियोग्राफी वाइज देखें तो इंडिया में से 75% के आसपास की रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है और इसके अलावा एक्सपोर्ट से 25% के आसपास की रेवेन्यू आती है, जिसमें से यूरोप में से 14% के आसपास, मिडल ईस्ट में से 4.25% के आसपास और अफ्रीका में से 2.5% के आसपास की रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। अब आ जाते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आप यहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हो, मार्च 18 में 1393 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 19 में बढ़कर 1568 करोड़ हुई, तो ये शानदार बढ़त है। और मार्च 20 में हल्की सी घटकर 1534 करोड़ के आसपास रही, जबकि उस टाइम पे कोरोना था तब हम समझ भी सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रेशर रहा होगा। और फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हो खर्च निकालने के बाद प्रॉफिट, जो कि मार्च 18 में 113 करोड़ के आसपास था, वो घटकर मार्च 19 में 98 करोड़ रहा और मार्च 20 में 55 करोड़। तो आप प्रॉफिट का ट्रेंड देख सकते हो फ्रेंड, लगातार गिरता जा रहा है। इसमें 55 करोड़ वाला साल अगर हम कोरोना वायरस की वजह से होगा ऐसा भी मान ले तो मार्च 19 में भी प्रॉफिट घटा है, तो ये थोड़ा मुझे डाउट क्रिएट कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट में जिस तरह की रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है उस तरह की ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। और फ्रेंड, आप यहां देख सकते हो नेट प्रॉफिट, जो कि कंपनी ने मार्च 18 में 75 करोड़ पोस्ट किया और इसके अलावा मार्च 19 में 72 करोड़ डिक्लेयर किया और मार्च 20 में 70 करोड़। तो मार्च 20 में 70 करोड़ प्रॉफिट आने की वजह क्या है, आप यहां देख सकते हो कि एक एक्सेप्शनल गेन था, इसी वजह से 70 करोड़ का प्रॉफिट आया, वरना तो ये प्रॉफिट बहुत ही कम होता मार्च 20 में। तो ओवरऑल देखें तो फ्रेंड, अभी जिस तरह का मार्केट में इस शेयर को लेकर धूम धड़ाका चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, तो उस लिहाज से इसके प्रॉफिट का ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा। और आखिर के 6 महीने, यानी कि इस साल के 6 महीने में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले 6 मंथ में कंपनी ने 813 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट की है और इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, जो कि 45 करोड़ के आसपास इस साल 6 महीने का प्रॉफिट आया है। तो फ्रेंड्स, इस 6 महीने का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, मगर पिछले 3 साल का प्रॉफिट मुझे ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, अब बात करते हैं इसमें कितने लिस्टिंग गेन हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए व्यू क्या होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होना चाहिए। तो 15 मार्च से 17 मार्च के दिन यह आईपीओ खुलेगा, यानी कि 15 से 17 मार्च तक हम इसमें बीड लगा पाएंगे और 129 से 130 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा गया और 115 शेयर का लॉट है, 14,950 रुपये की आपको एक लॉट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म व्यू, यानी कि
एक दिन से लेकर एक साल तक अगर आपका व्यू है तो इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड अभी तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 130 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि शेयर 2 गुना के आसपास भी खुलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, जो भी शॉर्ट टर्म गेन प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि सभी लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर इसमें काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब करेंगे और इसी वजह से हमें प्रॉफिट होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए तो ये देखना होगा कि जो इसका मार्च 2022 में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू होगा और वहाँ से प्रोडक्शन आएगा, तब उसके बाद ही इस शेयर में कोई नई तेज़ी देखने का मेरा अनुमान है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स जो भी लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इस आईपीओ को 225 के ऊपर खुलता है तो इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए तो अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जिन लोगों का एक दिन से एक साल के लिए व्यू है वो लोग के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इसमें लिस्टिंग गेन भी होने के बहुत ही ज़्यादा चांस है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आईपीओ बहुत ही सूटेबल दिखाई दे रहा है।